Hi guys, welcome back. I hope you all are doing super great. So आज हम इस वीडियो में रिएक्ट का एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक है जो कि इंटरव्यूज में तो पूछा ही जाता है, लेकिन साथ में ही यदि आप रिएक्ट की कोई बड़ी एप्लीकेशन पे काम करें तो भी इस टॉपिक का आप यूज करेंगे ही करेंगे। सो बेसिकली आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ लेजी लोडिंग इन रिएक्ट। सो ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले जस्ट अ स्मॉल रिक्वेस्ट, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, कर दो, ऐप फ्री है। एंड जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर उनके लिए थैंक यू सो मच गाइज फॉर। तो आई गेस अभी बिना टाइम वेस्ट के हम सीधा स्टार्ट करते हैं। ओके, सो अभी लेजी लोडिंग है क्या? सो लेजी लोडिंग रिएक्ट की एक ऐसी टेक्निक है जो कि आपके रिएक्ट एप्लीकेशंस की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज होती है। अब यदि आप रिएक्ट की कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्पोनेंट्स होंगे, डिफरेंट मॉड्यूल्स होंगे, आपने डिफरेंट इमेजेस का यूज किया होगा, करेक्ट? अब डिफरेंट मॉड्यूल्स का, डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स का यूज कर रहे हैं आप, तो कुछ कॉम्पोनेंट्स ऐसे होंगे जो बहुत सिंपल कॉम्पोनेंट्स होंगे एंड कुछ कॉम्पोनेंट्स होंगे जिसमें आपने डिफरेंट लाइब्रेरीज का यूज किया होगा, जिसमें आपने कॉम्प्लेक्स कोड लिखा होगा, बहुत सारा कोड लिखा होगा, तो वो क्या होंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट्स होंगे। अब यदि कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट्स हैं, आपने थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज का यूज़ किया है, नोड मॉड्यूल्स का यूज़ किया है, कॉम्प्लेक्स कोड लिखा है, बहुत सारा कोड लिखा है, तो इट मीन्स उस कॉम्पोनेंट का साइज भी ज़्यादा होगा एंड इट मीन्स उस कॉम्पोनेंट को लोड होने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसे में यदि मैं एज अ यूज़र आपकी रिएक्ट एप्लीकेशन को लोड करूँ एंड सारे कॉम्पोनेंट, सारे मॉड्यूल, सारी इमेजेस यदि एक ही बार में लोड, तो ऐसे में क्या होगा, जो आपकी रिएक्ट एप्लीकेशन है उसको लोड होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा एंड साथ में ही वो बहुत स्मूथली वर्क नहीं करेगी, ठीक है? तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए रिएक्ट ने हमें सॉल्यूशन भी दे के रखा है। रिएक्ट ने बोला कि आप क्या करो, आप लेजी लोडिंग का यूज करो, इससे क्या होगा, आपकी जो रिएक्ट की एप्लीकेशन है वो बहुत स्मूथली वर्क करेगी एंड साथ में आप इसकी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। सो अब हम इसको अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन में किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, तो उसके लिए रिएक्ट ने हमें बिल्ट इन एक मेथड प्रोवाइड की हुई है, रिएक्ट डॉट लेजी। तो रिएक्ट ने बोला है कि भाई आप रिएक्ट डॉट लेजी मेथड का और सस्पेंस कंपोनेंट का यूज करके अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन में लेजी लोडिंग को अचीव कर सकते हैं। सो अब अपनी रिएक्ट के एप्लीकेशन में लेजी लोडिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप लोगों को कुछ सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, ठीक है? अभी स्टेप्स क्या है, सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके रिएक्ट एप्लीकेशन में ऐसे कौन से कंपोनेंट हैं जो कॉम्प्लेक्स हैं, या फिर ऐसे कौन से कंपोनेंट हैं जिसे लोड होने में टाइम लग रहा है, या फिर इन शॉर्ट आप लोगों को ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई आपको किस कंपोनेंट में लेजी लोडिंग को अप्लाई करना है। अब लेजी लोडिंग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले बताया कि जो रिएक्ट है उसने हमें बिल्ट इन रिएक्ट की कुछ मेथड और कंपोनेंट प्रोवाइड किए जिसकी हेल्प से हम लेजी लोडिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो अब एक काम करते हैं, हम अपने वीएस कोड में चल के इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, रिएक्ट की एक सिंपल सी एप्लीकेशन बना के रखी है जिसमें अगर हम चलें ब्राउजर में तो आपको ये देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है? बेसिक एप्लीकेशन है इसको, तब हम इस एप्लीकेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इसमें लेजी लोडिंग अप्लाई करते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जो बाय डिफॉल्ट कोड है ना उसको यहाँ से हटा देते हैं एंड यहाँ पर मैं एक H1 टैग लगा देती हूँ एंड लेट्स से लर्निंग लर्निंग लेजी लोडिंग इन रिएक्ट, ओके? एंड इसको अगर मैं सेव करूँ एंड नाउ लेट्स गो बैक टू द ब्राउजर, तो अब हमें डिस्प्ले हो रहा है लर्निंग लेजी लोडिंग इन रिएक्ट। सो अब हमें सबसे पहले क्या काम करना है, हमें एक ऐसा कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट बनाना है जिसमें हम लेजी लोडिंग को अप्लाई कर सकें। सो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, src के अंदर एक नई फाइल बनाती हूँ एंड इसका नाम हम रख देते हैं लेजी लोडिंग डॉट js, ठीक है? एंड इस कॉम्पोनेंट को हम अपने एक फंक्शन कॉम्पोनेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है? एंड इस कॉम्पोनेंट को हम अपने ऐप डॉट js के अंदर कॉल कर लेते हैं। सो लेट्स से लेजी लोडिंग, ठीक है? एंड इसको मैं कर लेती हूँ सेव। एंड नाउ अगर हम अपने ब्राउजर में चल के अपनी एप्लीकेशन को लोड करें, रीलोड करें, तो अब आप देखो अभी बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा है मेरी एप्लीकेशन को लोड होने में, ठीक है? तो सबसे पहले काम हम क्या करते हैं, पहले तो मैं ये जो इंटरनेट की स्पीड है यहाँ पर, ठीक है, ये जो मेरे नेटवर्क कॉल की स्पीड है उसको कर देती हूँ स्लो 3G, ठीक है? एंड इस कॉम्पोनेंट को बना देते हैं हम कॉम्प्लेक्स, तो उसके लिए ये ऑनलाइन टेक्स्ट जनरेटर वाली जो ऐप है उसमें हम चलते हैं एंड पैराग्राफ्स दे देते हैं हम 10 एंड टेक्स्ट जो लेंथ है वो हम दे देते हैं लॉन्ग एंड कर देते हैं इसे कॉपी
एंड इस कंपोनेंट में हम कर देते हैं इसे यहाँ पर पेस्ट. ओके सो लेट मी पेस्ट इट अराउंड सेवरल टाइम्स. एंड नाउ लेट मी सेव दिस. सो पहली चीज तो हमने अभी क्या किया, अपना जो नेटवर्क है उसकी स्पीड ही कम कर दी एंड हमने इस कंपोनेंट को काफी कॉम्प्लेक्स बना दिया जिसमें बहुत सारा डेटा है. तो अब अगर मैं अपनी एप्लीकेशन को लोड करूँ तो अब देखो इस एप्लीकेशन को लोड होने में कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है पहली चीज़ तो. ठीक है, ऐसे में क्या हो रहा है, जो हमारी रिएक्ट का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है इससे. एंड यहाँ पर हमारे पास बेसिकली कितने कॉम्पोनेंट्स है, दो कॉम्पोनेंट. एक कॉम्पोनेंट है जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है लर्निंग लेजी लोडिंग एंड जो दूसरा कॉम्पोनेंट है उसमें हमारे पास बहुत सारा कुछ डेटा लिखा हुआ है. अब ये जो कॉम्प्लेक्स कोड लिखा हुआ है जिस कॉम्पोनेंट में, यदि उसको लोड होने में टाइम लग रहा है तो उसमें जो सिंपल कॉम्पोनेंट है उसकी क्या गलती. हम नहीं चाहते हैं कि जो भाई इस कॉम्प्लेक्स कोड के कारण सिंपल कॉम्पोनेंट भी हमारा लेट लोड हो. जैसे कि अगर अभी मैं इसको लोड करूं तो अब आप देखो जो दोनों कॉम्पोनेंट्स हैं वो साथ में लोड हो रहे हैं. ठीक है, साथ में लोड हो रहे हैं और साथ में ही दोनों में ही टाइम लग रहा है. तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए, अपनी एप्लीकेशन को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करने के लिए, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करने के लिए अब हम लेजी लोडिंग का यूज कर सकते हैं. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि हमें लेजी लोडिंग जो कंपोनेंट है उस कंपोनेंट में हमें लेजी लोडिंग अप्लाई करनी है. तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, इस तरीके से इंपोर्ट नहीं करना होता है. तो उसको मैं कर देती हूँ कमेंट. ठीक है, एंड हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्टेंट एंड किसी भी एक वेरिएबल का नाम. सो लेट्स से लेजी लोडिंग इटसेल्फ इक्वल्स टू, एंड अब हम क्या करेंगे, रिएक्ट को पहले तो इंपोर्ट कर लेते हैं. सो लेट्स से रिएक्ट, एंड रिएक्ट के पास एक बिल्ट इन फंक्शन होता है दैट इज नोन एज लेजी. ठीक, सो एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करता है. ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं कोड जिसमें हम लिखेंगे इम्पोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ अवर दिस लेजी लोडिंग कॉम्पोनेंट. एंड इस इम्पोर्ट में हम अपने लेजी लोडिंग कॉम्पोनेंट को यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेंगे. सो लेट्स से इम्पोर्ट लेजी लोडिंग. ओ व्हाट हैपेंड, लेजी लोडिंग को हमने यहाँ पर इम्पोर्ट कर लिया. ठीक है, अब ये जो कॉम्पोनेंट है वो हमारा स्टोर हो गया है इसमें. अगर मैं यहाँ पर लेजी लोडिंग की जगह लेजी बस लिख देती एंड इस, तो यहाँ पर आ जाता कि लेजी को आपने डिक्लेयर तो किया है लेकिन इसकी वैल्यू को कभी यूज नहीं किया. एंड ऑल्सो यहाँ लेजी लोडिंग में हमें एक एरर भी देखने के लिए मिलती कि लेजी लोडिंग इज नॉट डिफाइंड. सो यहाँ पर भी हमें इसका नाम चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, इस कॉम्पोनेंट की वैल्यू हमने इम्पोर्ट करके सेव करी है इस कॉन्स्टेंट वेरिएबल में दैट इज नोन एज लेजी. तब हमें या तो उसको इस तरीके से इम्पोर्ट करना पड़ेगा एंड सेव करना पड़ेगा. ठीक है, तो उसके बाद हमें कोई एरर नहीं मिलेगी. ओके, एंड इसके बाद हमें क्या करना होता है, जब हम अपने कॉम्पोनेंट को लेजी मेथड की हेल्प से इम्पोर्ट कर लेते हैं तो हमें इस कॉम्पोनेंट को रैप करना होता है. एक और बिल्ट इन हमें एक कॉम्पोनेंट रिएक्ट प्रोवाइड करता है दैट इज नोन एज सस्पेंस. सो इफ आई से सस्पेंस, ठीक है, एंड मैं इस सस्पेंस को मैंने क्या किया, रिएक्ट से इम्पोर्ट कर लिया. एंड इस सस्पेंस कॉम्पोनेंट के अंदर अब मैं क्या करूँगी, अपने इस लेजी कॉम्पोनेंट को रैप कर दूंगी. एंड इसको सेव करते हैं एंड नाउ लेट्स गो बैक टू द ब्राउजर. एंड अगर मैं इसे एप्लीकेशन को लोड करूं तो अब क्या होता है देखते हैं. सी, अब यहाँ पर हमारा जो पहला कंपोनेंट है वो तो पहले लोड हो गया एंड उसके बाद हमारा जो दूसरा कंपोनेंट है वो बाद में लोड हो रहा है. ठीक है, यही फंक्शनैलिटी हमें अचीव करनी थी. बट अगर एक और चीज है, नाउ अगर आपने नोटिस किया होगा कि जब मैंने एप्लीकेशन को लोड किया, ठीक है, तो मेरा जो पहले कंपोनेंट है वो लोड हुआ लेकिन उसके नीचे मुझे ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है. तो ऐसे में यूजर को कैसे पता चलेगा कि आगे भी कुछ डेटा जो है यहाँ पर डिस्प्ले होने वाला है. ठीक है, तो ये भी हमारा जो है यूजर एक्सपीरियंस खराब कर रहा है. तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, ये जो सब बेसिकली सस्पेंस कंपोनेंट को यूज करने का मतलब ही यही है कि अगर आप इस पे होवर करेंगे तो आपको देखेंगे, आप देख पाएंगे कि जो सस्पेंस कंपोनेंट है वो क्यों यूज होता है, बिकॉज इट लेट्स यू डिस्प्ले अ फॉल बैक अनटिल इट्स चिल्ड्रन हैव फिनिश्ड लोडिंग. इट मीन्स इसका चिल्ड्रन कौन है, चिल्ड्रन मीन्स जो भी हमने सस्पेंस कॉम्पोनेंट के अंदर लिखा है.
इट मीन्स ये जो लेजी कॉम्पोनेंट है, जब तक लोड नहीं हो जाता तब तक ये जो सस्पेंस कॉम्पोनेंट है वो आपके यूजर्स को कुछ फॉल बैक मैसेज डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। तो उसको डिस्प्ले कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सस्पेंस के अंदर एक एट्रीब्यूट लिखते हैं फॉल बैक, एंड इसके अंदर हमें जो भी कुछ मैसेज यूजर को डिस्प्ले कराना है वो हम डिस्प्ले करा सकते हैं। सो लेट्स से लोडिंग डेटा, ठीक है। एंड अगर मैं इसको अब सेव करूँ, एंड लेट्स गो बैक टू द ब्राउजर, एंड अगर मैं एप्लीकेशन को लोड करूँ अभी, देखो तो आप देखो हमें यहाँ पे लोडिंग डेटा डिस्प्ले हो रहा है, एंड ये लोडिंग डेटा सिर्फ तभी तक डिस्प्ले होगा तब जब तक हमारा जो लेजी लोडिंग कॉम्पोनेंट है उसका एक्चुअल डेटा लोड नहीं हो जाता। सो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से लेजी लोडिंग हमारे रियाक्ट की एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइज करता है। एंड ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपसे रियाक्ट के इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है डायरेक्टली, दैट इज व्हाट इज लेजी लोडिंग, या फिर इनडायरेक्टली इस तरीके से कि आप अपने रियाक्ट की एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप अपने स्पीड बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है, यूजर एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। एक तरीका होता है लेजी लोडिंग, जिसकी वजह से आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी स्पीड, उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज ही होगी। ओके, सो आई गेस दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट बिफोर लीविंग प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस, क्योंकि उससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और इस तरीके से काम करने के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज आप लोगों के लिए लाने के लिए। सो दैट इज ऑल गाइस, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।